गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के सारे नोट्स मैंने आपको पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड करा दिए हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आपने वो सारे नोट्स कॉपी में कर लिए होंगे। अब मैं इस चैप्टर को आपको डिटेल में समझा देती हूँ। इस चैप्टर में आखिर है क्या? जिस तरह से हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सेंसिटिव ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं 5, आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। क्लियर स्टूडेंट? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि किसी चीज़ को अगर हम सुन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम स्मेल करके बता सकते हैं, टच करके बता सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं, सुनकर बता सकते हैं, देखकर बता सकते हैं। मान लीजिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करने पर हम उस चीज़ की खुशबू से बता सकते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर, कानों से आवाज़ सुनकर बता सकते हैं कि वो किसकी आवाज़ है, क्या चीज़ है वो। उस चीज़ को हम टेस्ट करके बता सकते हैं, उस चीज़ को हम टच करके बता सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का कलर नहीं बता सकते, क्योंकि कलर को देखने के लिए हमें किसकी हेल्प, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अपनी आँखों की। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारी आईज़ हैं, आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। आँखें वही हैं जिसके द्वारा हमें ये वर्ड कलरफुल दिखाई देता है। बिना आँखों के हमें ये वर्ड जो है कलरफुल दिखाई नहीं देगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम इस चैप्टर में अपनी ह्यूमन आई को पढ़ेंगे कि आखिर ह्यूमन आई में ऐसा है क्या। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने लेंसों के बारे में पढ़ा था। तो हमारी जो ह्यूमन आई है स्टूडेंट, ये भी एक कैमरे की तरह होती है। ह्यूमन आई इज़ अ कैमरा। ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ये हमारी ह्यूमन आई का डायग्राम है जिसको कि आपको अगर घर में चार्ट पेपर अवेलेबल है तो उस पर आपको इसे बनाना है। बनाने के साथ साथ इसके सारे पार्ट्स हैं, इनको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, ये जो इसमें हमें इस तरह से जो लेंस दिख रहा है ये है क्रिस्टलाइन लेंस। ओके स्टूडेंट, इसी पर है ये पीपल, आयरस, कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे होती है आयरस, इधर ये है रेटिना। ओके स्टूडेंट, अब हम अपनी हमारी आँख जो है वो वर्क कैसे करती है। जब कोई भी लाइट हमारी आँख के अंदर एंट्री करती है थ्रू द कॉर्निया, कोई भी लाइट जो है वो हमारी आँख के अंदर कॉर्निया के जरिए ही जाती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड अ कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या करती है, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई। ये हमारी आँख में उभरा हुआ बहुत ट्रांसपेरेंट पतली सी झिल्ली होती है। ये जो हमारी आई बॉल है ये स्फेरिकल शेप में होती है और इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ज़्यादातर जितनी भी लाइटें होती हैं वो रिफ्रैक्शन के जरिए कॉर्निया के थ्रू हमारी आँख के अंदर आ जाती हैं। कॉर्निया के पीछे ही यहाँ पर होता है आयरिस। ये आयरिस क्या करता है, आयरिस इज़ अ डार्क मैस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। ये साइज, इसका पीपल का साइज को कंट्रोल करता है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये क्या करता है, क्रिस्टलाइन लेंस एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्स टू फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। ये क्रिस्टलाइन लेंस फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करता है जो कि रेटिना पर अलग अलग ऑब्जेक्ट फोकस होते हैं उनकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, एडजस्टमेंट करता है। कहीं ज़्यादा है तो ज़्यादा करना पड़ता है, कम की जरूरत है तो वहाँ कम करता है। और ये जो आयरिस होती है ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है द अमाउंट ऑफ लाइट को। ये लाइट को कंट्रोल करती है, जितनी लाइट हमें चाहिए उतनी ही लाइट को भेजती है। उसके बाद ये क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है उस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज को सेंड कर देता है ऑन द रेटिना। इट फॉर्म द इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर उसकी इन्वर्टेड इमेज को बना देता है। रेटिना क्या करती है, रेटिना के पास में बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। द रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ इनोमस
नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव शेल्स, रेटिना के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइट सेंसिटिव शेल होते हैं। ये शेल क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट की जो हमें इमेज दिखाई दे रही थी उस इमेज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। द लाइट सेंसिटिव शेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो उसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमारे माइंड में जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं वो नर्व्स उन सिग्नल को कैच करके तुरंत हमारे माइंड को, ब्रेन को सेंड कर देती हैं, और हमारा जो ब्रेन होता है उसको इंटरप्रेट करता है दीज सिग्नल्स एंड फाइनली वी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारी आई की वर्किंग है कि हमारी आँख किस तरह से वर्क करती है। हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो सारी लाइट रेज कॉर्निया के थ्रू हमारी आँख के अंदर जाती हैं, और हमारे कॉर्निया के पास जो आइरिस होती है वो आइरिस क्या करती है, जितनी लाइट उसको चाहिए होती है वो उतनी ही लाइट लेता है, यानी कि वो कंट्रोल करता है लाइट। कंट्रोल करने के बाद में जो क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं वो क्रिस्टलाइन लेंस क्या करते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जहाँ फोकस होने के लिए जितनी डिस्टेंस चाहिए होती है तो उसको एडजस्टमेंट करता है क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद क्या करता है, जो कॉर्निया पर इमेज बनती है वो कॉर्निया क्या करता है, उस इमेज को बनाता है, सॉरी जो आई लेंस होता है वो आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना पर बनाता है। और रेटिना क्या करती है, उसके पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो उनको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा ब्रेन को भेज दिया जाता है, और ब्रेन हमारा उसको तुरंत ही अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसको समझ लेता है, और उसी तरह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। क्लियर स्टूडेंट, इसकी वर्किंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, द आई लेंस इज कम्पोज ऑफ अ फाइबर जेली लाइक अ मटेरियल, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलरी मसल्स, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, दिस enable us to see distance object clearly, when you are looking at object closer to the eye the ciliary muscles contract, this increase the curvature of eye lens, so the eye lens then become thinner। it means kya hai student, hamari aankhon mein jo ciliary muscles hoti hain, ciliary muscles jo hoti hain wo kya karti hain, अगर हम अंधेरे में किसी चीज़ को देखेंगे तो हम क्या करते हैं, अपनी आँखों को बड़ा बड़ा कर देते हैं, मीन्स हमारी जो फोकल लेंथ होती है उसको हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई देने लगे। और जब बहुत तेज़ रोशनी आती है तो हम एकदम से अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ को कम कर देते हैं, यानी हमारी आँखों में उन मसल्स के द्वारा फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करना, यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको बढ़ा देना या घटा देना, उसी की इस पावर को बोलते हैं हम एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट मीन्स ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी शॉर्ट में, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्लियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, आपने देखा भी है, जब हम किसी बुक को रीड कर रहे हैं, आपको बुक को रीड करने के लिए पास लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, एक डिस्टेंस वो आएगी जहाँ पर हमें वो दिखाई नहीं देते वो वर्ड के, वो उसमें क्या लिखे हुए हैं। इट मीन्स जो डिस्टेंस जहाँ पर हमें वो बुक, उस बुक में लिखे हुए सारे वर्ड एकदम क्लियर दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं हम नियर पॉइंट ऑफ आइज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नियर पॉइंट ऑफ आइज। इट मीन्स यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ पर हमें एकदम साफ दिखाई देती है, और नॉर्मल आइज़ के लिए वो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, तो हम 25 सेंटीमीटर को नियर पॉइंट ऑफ आइज़ भी कहते हैं। इसी तरह दूर जाने पर हमें कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ तक दिखाई दे, तो द फार्टेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इट कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ आई, इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आइज। नॉर्मल आई के लिए हम अनंत तक उसको साफ साफ देख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नियर पॉइंट ऑफ आइज़ कितना होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट ऑफ आइज़ कितना होता है इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आइज। क्लियर स्टूडेंट, कुछ केसेस में क्या होता है स्टूडेंट सुनिए, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, पीपल एट द ओल्ड एज
जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ती जाती है तो जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है वो मिल्की हो जाता है, बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, वो धुंधला धुंधला हो जाता है, दूधिया होने हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड द कैटरेक्ट। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट, यानी कि मोतियाबिंद। आपने सुना भी होगा, जो आपके घर के बुज़ुर्ग लोग हैं उनके, या फिर आपने देखा भी होगा बहुत से बुज़ुर्ग ब्लैक कलर का चश्मा लगाते हैं, तो वो किसकी वजह से लगाते हैं, क्योंकि उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, यानी उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कैटरेक्ट में इंसानों के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन लोगों की जो आँखों के लेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस जो होते हैं, वो बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, वो क्लियर नहीं दिखाई देते। दिस कॉज पार्शियली और कम्प्लीट लॉस ऑफ विजन, इसकी वजह से उन्हें कुछ कुछ धुंधला या फिर पूरी तरह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, इस कंडीशन में उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी कैटरेक्ट सर्जरी करवानी पड़ती है। आज के लिए स्टूडेंट आपने आइज के बारे में कम्प्लीट पढ़ लिया, कल आपको बताऊँगी डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।